तुमने सोची कि कैसे मैं बंद कराए जो न्यूज रूम को? सो तुमने को ईमानदार और निष्पक्ष न्यूज चैनल के न्यूज रूम में तुम्हें जो लगी कि भारत में सब कुछ इतना अच्छा है और हमारे ते सब कुछ इतना बुरा कैसे है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। इसमें कोई शक सुबह नहीं हो सकता कि भारत और पाकिस्तान की सरकार सदैव एक दूसरे के शत्रु रहे हैं। हालांकि बीच बीच में शांति और मित्रता के प्रयास भी किए गए, लेकिन इस राह पर चलने वालों को ग्रे गवर्नमेंट ने हटवा दिया। बेशक वो सरहद के इस पार हो या उस पार, लेकिन फिर भी जरा सोचिए, जो भारत विरोधी पाकिस्तानी बदनाम हस्तियाँ रही है, उनसे भेंट मुलाकात करने संघ समर्थक ही क्यों मिलते हैं? उधर सबसे ज़्यादा संपर्क रखने वाले में मणिशंकर अय्यर सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता के नाम भी जरूर हैं। हालांकि भारत विरोधी पाकिस्तान के साथ किसी अन्य की मुस्कुराते हुए फोटो नहीं मिलती, यदि हो तो जरूर बताएं। अब सुधीर चौधरी का एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं, अटल बिहारी के अतिरिक्त किसी भी भारतीय को मीनारे पाकिस्तान पर सजदा करते नहीं देखा गया। हालांकि सभी भारतीय मीनार के बिल्कुल साथ स्थित गुरुद्वारा डेरा साहेब जरूर जाते हैं। बहुत कुछ जरूर ऐसा है जो जनता नहीं जानती, लेकिन आप इस दिशा में सोच तो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मुद्दे पर पुष्पा जीजी ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं। ईमानदार और निष्पक्ष न्यूज चैनल के न्यूज रूम में कोरोना वायरस को बम तुम्ही ने गिराओ है। हाँ हाँ, कान खोल के सुन लो कि तुम्ही ने गिराओ है। कैसे कि हमारा जो न्यूज चैनल ना तुम्हारे इतने की बदहाली, गरीबी, भुखमरी, कोरोना वायरस के खिलाफ तुम्हारी ढीली ढाली जंग, तुम्हारी आर्थिक मंदी, तुम्हारे क्वारंटाइन सेंटर और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली दिखा रहे हो तो ना, सो तुम्हें मिर्ची लग गई। आप इस वक्त पुष्पा जीजी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुधीर चौधरी हमेशा हिंदू मुसलमान, रमजान शमशान, कब्रिस्तान पाकिस्तान करते रहे हैं, इसलिए अब जी न्यूज में कोरोना हुआ। लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि अब जी न्यूज में कौन सा तबलीगी चला गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। GNewsIndia.com पर लगी इस पोस्ट से इनकी घटिया मानसिकता का पता चलता है कि यह पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं। इस पोस्ट में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि हमने देश के लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी है। क्या जी न्यूज के कर्मचारी आज़ादी के जंग में जाकर लड़े थे? इस देश के लिए उन्होंने ऐसा क्या काम किया है सिवा फेक न्यूज और हिंदू मुस्लिम करने के, जिसकी वजह से जी न्यूज को सम्मान से नवाजा जाए? देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले इस बीमार चैनल ने इस पोस्ट में भी टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र किया है। भाई, आखिर हमें भी तो पता चले ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन सी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के 85% आबादी वाले लोग भी यही कह रहे हैं। लेकिन दोबारा पुष्पा जीजी ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हें जो लगी कि भारत में सब कुछ इतना अच्छा है और हमारे ते सब कुछ इतना बुरा कैसे है, तो अब बताओ, जब हमारा देश एक बहुत मजबूत और सशक्त हाथन में है, तो हमारे न्यूज वाले बेचारे काय के लाने दिखाएंगे कि भारत में अच्छा नहीं है? जब हमारे ते कछु प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वही तो दिखाएंगे ना। हमारे इतने गरीब और मजदूर कोरोना वायरस से नहीं मर रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, देश भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके तहत देश के कई महानगरों में कोरोना के हजारों मरीज मिल रहे हैं। जी न्यूज के मुताबिक उनके ऑफिस में काम करने वाले 2500 कर्मचारियों में से 29 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे ही ये खबर आई, ऑफिस को सील कर दिया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, अब तो तब और बढ़ गई जब सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी को लेकर लोग हिदायत देने लगे हैं, उनके खिलाफ खुलकर बोलने और लिखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फेसबुक यूजर रजत सोनी अपने FB पर लिखते हैं कि सुधीर चौधरी से पूछना चाहता हूं कि जी न्यूज ऑफिस में लोग छुपे हुए थे या फंसे हुए थे। आगे एक और यूजर सवाल करते हुए लिखते हैं कि अब कौन सा जमात वाले जी न्यूज चले गए थे या सुधीर चौधरी जमात में चले गए थे, हद है रे भाई। बहरहाल, जी न्यूज के 28 कर्मचारियों के COVID-19 से संक्रमित होने की खबर सुनी अच्छा नहीं लगा। सभी के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस वक्त उनके परिवार के सदस्य और तनाव और घबराहट में होंगे, उन सभी की चिंता है, भरोसा रखना चाहिए, सब जल्दी ठीक होगा। आगरा से भी पत्रकार साथियों के संक्रमित होने की खबर ने चिंता में डाला था। उम्मीद है
वे सभी अब ठीक हो चुके होंगे। मीडियाकर्मी अपनी तरफ से खूब सावधानी बरतें। इस वक्त बहादुरी का एक ही मतलब है, सावधानी और सुरक्षा। इससे कोई समझौता ना करें, क्योंकि इससे आपकी जान दांव पर लग सकती है। इस महामारी में ऑफिस जाने वालों में हो सकता है कि यह भावना आ जाए कि कुछ नहीं होगा। बस यहीं से हमारी सतर्कता कमजोर पड़ने लगती है। सफाई और देह से दूरी बरतने में कोई संकोच ना करे। यह सही है कि कोई कब तक करे, यह भाव मन में आ सकता है। जब भी यह भाव आए, अपने मन को याद दिलाइए कि अब हमेशा करना है। कोरोना योद्धा वह है जो पहले खुद सतर्क है। एक बार फिर से सभी के सिर्फ स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।